मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर पहुंचे। उस दौरान उन्होंने तीनपेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड परिसर में CRM3 यूनिट का शिलान्यास किया। यहां सीएम ने कहा कि टाटा स्टील इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश कर रही है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से 5 से 7 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। जमशेदपुर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में उद्योग के विकास में भरपूर मदद करेगी ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके, झारखंड तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। तीनपेट की ओर से इस प्रोजेक्ट में 2254 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। टाटा स्टील के CMD TV नरेंद्रन ने कहा कि जिंजर होटल तो झारखंड में है ही, ताज होटल भी यहां खुलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि राज्य में जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनके संपर्क में वह लगातार बने रहते हैं, राज्य में उद्योगों के विकास के लिए काम करते रहते हैं। वह आगे कहते हैं कि रांची में टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार है, बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा और राज्य की जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा। वहीं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए वह कहते हैं कि टाटा घराने का होटल उद्योग में काफ़ी अहम योगदान है। हमारे राज्य में खनिज संपदा तो है ही, पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। टाटा घराना झारखंड में ताज होटल की स्थापना करने वाली है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। वहीं जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ टाटा स्टील के अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।